15,000 में बहुत सारे स्मार्टफोन आते हैं, पर कौन सा फोन सबसे अच्छा है? कैमरा के लिए कौन सा फोन सबसे बेस्ट है? गेमिंग के लिए कौन सा फोन सबसे तगड़ा है? डिस्प्ले कौन सी फोन की अच्छी है? और नॉर्मल यूजिंग के लिए कौन सा फोन सही है? सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में कैलकुलेशन वाला पार्ट सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए अब इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो नंबर 5 वाला स्मार्टफोन है वो स्पेशल उनके लिए है जिनको अच्छी ब्रांड, अच्छा डिजाइन और सस्ता 5G फोन लेना है। तब आप Vivo T2X को चेकआउट कर सकते हो। Vivo की ब्रांड वैल्यू अपने आप में काफी तगड़ी है और डिजाइन भी इस फोन का काफी प्रीमियम है। साइड फ्रेम फ्लैट है और प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 6020 का। इसमें टोटल 6 5G का बैंड है एंड इससे आप लोग 40 FPS पर गेमिंग आराम से कर सकते हो। नोच वाली डिस्प्ले है 6.58 इंच की, IPS पैनल है और इस प्राइस में ज्यादातर यही पैनल स्मार्टफोन के अंदर आता है। डिस्प्ले ठीक है, फास्ट रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिलेगा। Vivo इसके डिस्प्ले को थोड़ा और बेटर कर सकता था। छोटा सा चार्जर 18 वोल्ट का बॉक्स में आता है, लेकिन बैटरी बड़ी है 5000 mAh की, जो कि यार काफी तगड़ा है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर ये स्मार्टफोन आता है और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेन है। एक सिम और एक मेमोरी कार्ड अलग से आप इसमें लगा सकते हो। अब इसके कैमरा पे आए तो कैमरा ठीक सा है और सेल्फी वीडियो एवरेज है। प्राइस को इसको कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो बात इसके प्राइस की करे तो 4128 वाला वेरियंट के लिए आपको 13,000 रूपए देने पड़ेंगे। ये है इस फोन की कुछ कमियाँ जिसे आप वीडियो को पोज करके रीड कर सकते हो। अगला स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। इस लिस्ट का ये सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन लेना है, चाइनीज फोन के लफड़े में आपको नहीं पड़ना है, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। सैमसंग ने इसमें 1330 का 5nm वाला चिप लगाया है। इसका अंतुतु स्कोर 360,000 के प्लस आता है। ये नाम का नहीं बल्कि काम का 5G स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें 13 5G के बैंड्स है और गेम को इस फोन में आप मीडियम हाई सेटिंग के साथ 50 FPS तक गेमिंग कर सकते हो। बट अगर आपको ज्यादा गेमिंग करनी है तो इस स्मार्टफोन को मत लेना, क्योंकि हैवी गेम्स के दौरान ये फोन गंभीर की तरफ बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तुम्हें कैसे पता चला? यार तुम्हारे भाई को सब पता है। और ये स्मार्टफोन कई दिनों तक चले तो इस स्मार्टफोन में 6000 mAh का बड़ा बैटरी दिया है, पर इसके साथ आपको चार्जर नहीं मिलेगा। हो सकता है ये बात आपको थोड़ा सा डिसपॉइंट करे। नोच वाली FHD+ डिस्प्ले लगी है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इस फोन में आपको 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और इसका डिस्प्ले कलर्स भी ठीक ठाक है। और एंड्रॉइड 13 पर ये स्मार्टफोन आता है और इसमें आपको एंड्रॉइड 15 तक अपडेट देखने को मिल जाएगा। बैक में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है और मैक्सिमम आप इसके बैक कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके मेन कैमरास के फोटोज ठीक आते हैं, बट सेल्फी डिसेंट सी है और अमेजोन पर भी इसके कैमरा को अच्छी रेटिंग्स नहीं मिला है। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसके 4GB रैम और 120 स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 13,990 रूपए में मिल जाएगा। अब जो हमारा थर्ड नंबर वाला स्मार्टफोन है वो रियलमी के तरफ से आता है, Realme 9i 5G। काफी अच्छे खासे डिजाइन के साथ ये फोन आता है और इसका लुक भी काफी तगड़ा है। इसमें Dimensity 810 का प्रोसेसर लगा है जो कि टोटल 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। एंड ये प्रोसेसर इतना कैपेबल है कि इससे आप लोग COD और न्यू PUBG मोबाइल स्टेट को 40-60 FPS पर आराम से खेल सकते हो। गेमिंग में यहाँ आपको अच्छी और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी और डे टू डे यूजेस में ये स्मार्टफोन आपका काम आराम से हैंडल कर लेगा। इस फोन में 19Hz वाले फुल HD+ LCD डिस्प्ले लगा है जो कि नोच डिजाइन के साथ आते हैं। डिस्प्ले देखने में भले ही ठीक ना लगे, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। गेमिंग के टाइम पर आपको स्मूथनेस अच्छी मिलेगी और वीडियोस देखने में ये स्मार्टफोन आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेन मिलेगा और इसमें 3.5 mm का गड्ढा है। 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन 18W का छोटा चार्जर डिब्बे के अंदर आता है जो कि इस फोन को चार्ज करने में काफी ज्यादा टाइम लेगा। बैक में 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और 8MP की सेल्फी है। कभी कभी एक दो फोटोज क्लिक करने के लिए इसका कैमरा ठीक रहेगा। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो इसका कैमरा अपने प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। फाइनली प्राइस के बारे में बात करें तो इसके 464 के लिए आपको 14999 पे करने पड़ेंगे। अगर आपको 15,000 के बजट में रियलमी का एक 5G स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। अब बचे हैं टॉप 2 स्मार्टफोन। तो नंबर 2 पे आता है इस प्राइस का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन इन्फिनिक्स जीरो टर्बो 2023। इन्फिनिक्स ने इसमें जो प्रोसेसर दिया है सेम यही प्रोसेसर 25,000 वाले फोन में आता है और इस प्रोसेसर का नाम है Dimensity 1080। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी तगड़ी है। हाईएस्ट सेटिंग पर ये फोन आपको गेमिंग करा देगा एंड परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके जैसा परफॉर्मेंस आपको अभी के टाइम पर 15,000 के प्राइस में नहीं मिलेगी। 6.78 इंच की फुल HD+ LTPS डिस्प्ले इसमें लगी है और 120Hz का रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले बड़ी है और स्मूथनेस काफी अच्छी है, जिससे आपको वीडियोस देखने में और गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड इसमें अलग से लगा सकते हो एंड सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड है। ब्लोटवेयर इसमें है जिससे आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। अब कैमरा पे आए तो 50MP का ट्रिपल कैमरा स्लोट है और 16MP की सेल्फी है। 4K वीडियोस इसके बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो एंड कैमरा की जो क्वालिटी है डे लाइट में काफी अच्छी है। लो लाइट में इसका कैमरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है और यहाँ पे
आपको एक नॉर्मल लेवल का कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। बॉक्स में 33 वाट का फास्ट चार्जर आता है और बैटरी पूरे 5000 एमएच की। और एक कमाल की बात यह है कि इसमें आपको 8GB की बड़ी रैम और 128GB का बड़ा स्टोरेज मिलता है। एंड अभी के टाइम पे इसका प्राइस है 16,000 रुपए, बट ऑफर में ये स्मार्टफोन आपको लगभग 15,000 में मिल जाएगा। प्राइस इसका ऊपर नीचे होता है, बट इसका प्राइस जब भी कम हो तो आप लोग बाय कर लेना। तो गाइस लिस्ट के नंबर 1 फोन के बारे में बात करें तो इस पोजीशन पे आता है मोटो G62 5G। इसमें स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर लगा है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्मार्टफोन 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। भाई गेमिंग तो यहाँ पे आप अच्छी खासी कर पाओगे। प्लस पॉइंट यह है कि आपको 5G में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले लगा है जो सपोर्ट करती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को। और इसके डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी है। क्वालिटी जो है वो ठीक है एंड यहाँ पे जो स्मूथनेस है वो आपको बढ़िया मिलेगी। इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन 20 वाट का चार्जर आपको डिब्बे के अंदर मिलेगा। आई नो चार्जर छोटा है, बट बैटरी ब्रेकअप आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड अलग से इसमें लगा सकते हो और यहाँ पे आपको 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट भी मिल जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं कैमरा की। तो 50+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा स्लॉट इसके बैक में लगा है और आपके प्यारे से थोपड़े का फोटो क्लिक करने के लिए 16 MP का कैमरा लगा है। कैमरा इस स्मार्टफोन का डिसेंट सा है, लेकिन ठीक ठाक सा कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो 6128 वाला वेरियंट आपको 15,500 में देखने को मिल जाएगा। ऑफर में ये फोन आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा। तो ये है टोटल 5 स्मार्टफोन। इसमें मेरा भी टॉप 2 स्मार्टफोन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब कैलकुलेशन पे आए तो मेरे हिसाब से Vivo T2X को मेरे हिसाब से अवॉइड करके चलना, Samsung M14 5G को और Moto G62 5G में कैमरा बेटर है तो इन दोनों फोन को आप कैमरा के लिए बाय कर सकते हो। एंड Moto G62 एक ऑलराउंडर मोबाइल है तो ये फोन सुपर सेक्शन वाले फोन में आता है। Realme 9i सिर्फ एक काम चलाओ फोन है एंड गेमिंग के लिए सबसे तगड़ा स्मार्टफोन है Infinix Zero Turbo 2023। और ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पे सबसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, तो इसलिए ये स्मार्टफोन आता है सुपर फोन वाले सेक्शन में। ये है मेरा ओपिनियन इन सभी स्मार्टफोन को लेकर। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में बताना। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।